हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको पहले समझते हैं, देन इसके बाद इसको लॉजिक को लगाते हैं, लॉजिक को समझते हैं, देन प्रोग्राम करके रन करते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले एचसीएफ का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से एचसीएफ आप प्रॉपर अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे एचसीएफ को बताऊंगा, देन एलसीएम को। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एचसीएफ क्या होता है एंड एलसीएम क्या होता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी। चलिए देखते हैं एचसीएफ क्या है। एचसीएफ अप टू आर मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी आप दो या दो से अधिक नंबर लीजिए, उसमें क्या करना है, जो हमारा कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होगा उसी को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं एग्जाम्पल से पहले समझता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया 5 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के लिए 10। अब 5 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा? 1 एंड 5, 2, 3, 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका फैक्टर नहीं है। फिर 5 तक ही में जाना है। और 10 का कितना हुआ? 1, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, फिर 10 से होगा। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर ये आ गया। अब ये कॉमन फैक्टर 1, 5, 5 का है, 10 का। अब इसमें से दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी जो कॉमन वैल्यू पहले उसको निकालते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यानी तो फैक्टर निकला दोनों नंबर का, अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं 1 एंड 5। ये हमारा क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ। अब इसमें से क्या निकालना है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट यानी इसमें दोनों में से हाइएस्ट नंबर कौन सा है? 5। यानी हमारा क्या हो गया ये 5, इसका क्या हो गया ये हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ 5 और 10 का एचसीएफ कितना है? 5। अब चलिए मैं इसको अब एलसीएम को समझते हैं, इसकी फिर इसको लॉजिक को समझ के आगे देखते हैं। बट अभी पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या। जैसे अभी एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर 2 आर मोर नंबर। आप लोग को पता है कि ये निकाला कैसे जाता है नंबर, ठीक है, यानी कॉमन मल्टीपल इंटीजर आप एलसीएम निकालते कैसे हैं। जो नंबर स्टार्ट करेंगे वो नंबर से डिवाइड होते हुए जाएगा, जो लास्ट नंबर बचेगा बस वहीं तक। जैसे 5 का वो मैंने टू नंबर लिया 5 एंड 10। 5 का क्या है? 1। ये 1 से डिवाइड हुआ, बचा इसके पास कितना? 5। ये भी ये 2 से नहीं होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना ये, फिर ये क्या होगा? 5 से हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना होगा? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 10 को क्या करना है? मैंने 1 से डिवाइड किया, अभी इसके पास कितनी वैल्यू बची है? 10। ठीक है, अब फिर क्या 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो गया, अब बचा कितनी वैल्यू हमारे पास? 5। अब 3 से करेंगे नहीं होगा, ना 4 से, ना 5 से, सॉरी 4 से हो नहीं होगा एंड 5 से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी बची थी यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद? 5। अब 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, हो गया अब इसके, क्योंकि वैल्यू आ गई लास्ट में 1, 5 टू 5 डिवाइड होने के बाद। ठीक है, बस अब यहीं तक ये टर्म चला। अब इसमें से क्या करना है, हमें कॉमन जो मल्टीप्लीकेशन हमारा है उसको एक बार एंड जो सिंगल है देन उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें इसमें क्या है? 1 एंड 5। अब इसमें चेक करो 1 एंड 5 कौन है? 1 है, दोनों में है 1, मैंने ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करिए इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसको भी ले लिया। जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको तो रखेंगे ही। 3 दोनों में नहीं है, 4 नहीं है दोनों में, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सिर्फ क्या करना है इसको एक बार रखना है। कितना हो गया हमारा ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 10 1 10 आ गया। ठीक है, एक तो ये हमारा आसान तरीका हो गया कि हम इसको डिवाइड करते हुए जाना है। अब हम इसको चेक करते हैं एक अब और कोई कुछ और लॉजिक लगा लें, ताकि हमारा इस एचसीएफ और एलसीएम दोनों से कुछ और हेल्प मिल जाए, अगर हमें एक ही प्रोग्राम में करना हुआ तो। ठीक है, चलिए इसे हम इसको चेक, इसमें हमारे कितने एचसीएफ आई है? 5। अब इसमें चेक करिए 5 और इसमें 10। ठीक है, अब इसका अगर हम, इसका एक फार्मूला होता है एलसीएम का, जो हमारा नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड किससे कर देंगे? एचसीएफ से, फिर भी हमारा क्या निकल जाएगा? एलसीएम। चलिए इसको देखते हैं, 10 आ रहा तो एलसीएम ऐसे आया, अब इसको चेक करते हैं आता है कि नहीं। 5 पहले क्या करना है? 5 यानी जितने नंबर हैं उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 10 का मैंने किया मल्टीप्लाई,
और डिवाइड किससे करना है, जो हमारा SEF आया हुआ है उसी नंबर से, यानी वही नंबर का जो जितने डिजिट लिए हमने, सॉरी डिजिट जितने नंबर हमने लिए हैं, 5 and 10 लिया था, 5 and 10 का मैंने इसी निकाला 5 5, मैंने 5 कर दिया डिवाइड, ये डिवाइड 5 5 के बचा 10, यानी हमारा इससे भी हमारा निकल जाएगा, यानी LCM निकाल रहे हैं। LCM निकालने के बाद हम दोनों नंबर को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तब पर भी हमारा LCM निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद देन आपको अब इसके लॉजिक को देख के लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लॉजिक। चलिए मैं यहाँ पे, वहाँ पे 5 10 लिया था, मैं यहाँ पे 5 20 लिया, ताकि कुछ वैल्यू चेंज करके और आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मैं इसको SCF निकालता हूँ और इसको LCM, ठीक है। इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर, सॉरी सिर्फ पहले फैक्टर निकालेंगे, देन कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहले हमारे फैक्टर क्या निकलेगा, इसमें से 1 and 5, इसमें 1 2 5 and 10, ठीक है। अब ये तो हमारा इसका फैक्टर आ गया और 20 का, इसमें से दोनों क्या करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद अब कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 5। अब 1 and 5 आ गया, अब इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर 5, ये हमारा SCF हो गया, ठीक है। अब LCM में आते हैं। LCM में क्या हमने बताया था, या तो उस नंबर से पहले डिवाइड करते हुए चले जाइए जहाँ तक हो जाए, वैल्यूज किया जाए, जैसे 1 का 5 को करेंगे तो ये 1 से पहले डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू बची, 5, फिर 5 को 2 से करेंगे नहीं होगा ना, 2 3 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसने आई, 1, यानी अब इसका आगे नहीं जाएगा, 5 से 5 कट गया, अब इसका आगे वैल्यू नहीं जाएगी, यानी 1 and 5 हमारा ये मल्टीप्लीकेशन इसका आ गया। अब इसका 20 का निकालेंगे कितना आएगा, 1 डिवाइड करेंगे 20 आया, फिर 2 से चेक करते हैं, हाँ डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 10 बचा। अब 10 अब आगे आगे नंबर से फिर से स्टार्ट करते हैं, इतने का 1 से तो कटेगा ही, 1 को छोड़ दे, फिर किससे कटेगा, 2 से कटता है, फिर 2, अब वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर कितना बचा, 10। अब 10 में फिर 1 से तो होता ही, 1 को कॉमन रहेगा छोड़ दीजिए, बार बार 1 से नहीं करते, फिर किस किस से, 2 से मिनिमम वैल्यू, 2 से कितना होगा, 10 आ गया। अब 10 बचा, अब 10 में क्या करना है, 10 और अब 20, अब फिर किससे कटेगा, ये 2 से डिवाइड हुआ तो बचा हमारे पास कितनी वैल्यू, 5, और फिर 5 से कर दिया। अब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे 20 हो गया, ठीक है। अब इसको हम मान लो, मैं करता क्या हूँ, पहले मिनिमम वैल्यू 1 से तो सब में काम में छोड़ दीजिए, 2 से स्टार्ट किया मिनिमम वैल्यू, तो कितना आया, 10। अब फिर मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, अब कितना आया, 5, 10 था, कितना आया, 5। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा ना, 4 से, फिर ये किससे कटेगा, 5 से, कितना आया, 1। अब कितना इसका हुआ, 5 2 into 2, फिर क्या आ गया, 1 1 तो काम मैंने इसको रखे या ना रखे, ठीक है। अब इसका क्या आया, 1 multiply 5, इसका क्या आया, 1 2 2 and 5, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, अब इसको हम करते हैं, अब इसमें से कॉमन क्या है, फर्स्ट वैल्यू 1 1 तो ले लिया, फिर 2 इसमें नहीं है, इसमें है, 1 में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, अगर दोनों में होगा तो सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा बस, 2 2 एंड दोनों में 5 था तो 5, कितना हुआ, 5 2 10 2 20, वही एग्जांपल आया। फिर अब क्या करना है, अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 into 5 तो क्या हो जाएगा, 100 हो गया, और 100 से अगर हम 5 से SCF से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 20, यानी ये हमारा जो हमने इसके पहले बताया वो कंडीशन सही है। पहले क्या निकाल लेंगे हम, SCF हमें स्टार्ट कहाँ करना है, SCF के लिए 1 से जाना है, कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, यानी नंबर है भी, इसमें क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब पहले निकालते हैं SCF पे मैंने चलाया पहले फॉर लूप। फॉर लूप में पहले क्या होता है, इनिशियल वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, फैक्टर तो 1 से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक जा रहा है,
पहले 5 नंबर तक जाएगा और फिर दूसरा 20 तक जा रहा है, यानी इसमें दो कंडीशन हमें लगाने हैं, एक 5 तक जाए या दूसरा 20 तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये इंक्रीज करते रहे, इंक्रीज कर दिया, फिर क्या होगा इसके बाद हमें ये कंडीशन हमारी ये स्टार्ट वहाँ तक जाती रहेगी। फिर इसमें जब मैं करता क्या हूँ कि इस नंबर में हमें कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के लिए यानी ऐसा कुछ करें कि इसमें से दोनों नंबर हमें जिसमें मिलता रहे, कॉमन निकालने के दोनों नंबर मिलता रहे, तो मैंने इफ कंडीशन चलाया, कह दिया कि जो हमारे ये फर्स्ट नंबर 5 और 10 है, मैंने यहाँ पे क्या किया यानी कि जो वैल्यू आए यहाँ पे आई की यानी सील जो वैल्यू हो वो हमारी चेक करते रहे दोनों नंबर में से 5 और 20 है, इस दोनों में चेक करते रहे डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है उसको हम काउंट करते जाते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। और उसको काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद फिर क्या करते हैं उसको स्टोर करते जाते हैं, जो हाईएस्ट उसमें स्टोर होगा वही हमारा एसीएफ आ जाएगा, जब एसीएफ आ जाएगा दोनों नंबर को हम कर देंगे मल्टीप्लाई देन एसीएफ से डिवाइड तो हमारा आ जाएगा एलसीएम भी, ठीक है। इसमें इफ में क्या कंडीशन लग जाएगा हमारा, फिर जो हमारा नंबर है यानी 5 पहला नंबर हो गया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा ये हम आई से कर देंगे, यानी आई की वैल्यू भी 1 है, इंक्रीज होकर 2 होगी, वैल्यू चेक करेगी ट्रू होगी देन नीचे आएगी, इसमें लगाएंगे एंड, एंड इसलिए लगाएंगे हमें दोनों वैल्यू में कॉमन चाहिए, एक इसमें तो जैसे यहाँ पे था 2, अब इसमें 2 तो नहीं था तो हमें क्या करना है दोनों में कॉमन चाहिए, अगर दोनों में कंडीशन ट्रू हो रही है तभी, यहाँ पे कितना आ गया 20 रिमाइंडर आई, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा कि इस दोनों का जो हमारा फैक्टर है क्या है, मैंने यहाँ पे एसीएफ इक्वल टू आई कर दिया, यानी आई की जो वैल्यू है जो अब आएगी यहाँ से कंडीशन ट्रू होने के बाद देन इसमें आएगी, फिर ये क्या करेगा एसीएफ को मैं यहाँ से 0 कर दे रहा हूँ, यानी एसीएफ इंटीजर एसीएफ ले ले रहा हूँ, ताकि हमने एसीएफ को पहले इनिशियलाइज क्या कर दिया है 0 हमारी वैल्यू है, अब जितनी आएगी स्टोर होते हुए इसमें चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब ये एसीएफ निकल जाएगा, एसीएफ तो यहाँ से निकल गया, एसीएफ प्रिंट करा देंगे एसीएफ निकल जाएगा, फिर क्या करना है हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है ए एंड बी यानी मान लो ए एंड बी यानी जो दो हमारे नंबर है उसको करना है डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे जो हमारा एसीएफ आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा फिर इसी को प्रिंट करा देंगे तो हमारा एलसीएम नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए ये हमारा लॉजिक है, अब इसको लॉजिक पे हम इसको अप्लाई करके दिन फिर प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्क्रैच करता हूँ, ठीक है। हमारा ये आ गया, मैंने क्या किया int xy यानी हमने यूजर से वैल्यू ये xy में ले रखा हुआ है, ठीक है। यानी x क्या हो गया हमारा 5 और y कितना हो गया 20 लिया हमने, ठीक है। scf मैंने 0 रखा हुआ है, lcm में 1 यानी कुछ भी डिवाइड करें तो 1 है, ठीक है। और scf में आप 1 रख सकते हैं क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू हुई 1 से ही होगी एसीएफ, ठीक है। बट मैं 0 का कुछ से कोई दिक्कत है, 1 भी रख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारा क्या पहले एसीएफ निकालते हैं, ठीक है। आई 1 यानी जो हम फैक्टर क्या करेंगे 1 से निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 किया, अब यहाँ पे आर भी कर सकते हैं, आर करेंगे तो भी यहाँ तक टर्म जाएगा, एंड करते समय एंड इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एक वैल्यू समय मिल जाए, लेकिन तब पर भी कंडीशन चलती रहेगी हाईएस्ट वैल्यू जितनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप कितना आ गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब हमारी इनिशियल वैल्यू 1 है, अभी पहले कंडीशन चेक करेगा क्या जो 1 है 5 में है और 10 में है, तो ये क्या करेगा फिर कंडीशन नीचे आया, मैंने इफ से चेक कराया कि जो हमारी x की वैल्यू कितनी है 5 और y की 20, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 से डिवाइड हो रहा है ये कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरे में चेक किया ये भी हो रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ट्रू हुआ तो ये सी एफ में आई की वैल्यू कितनी है 1, अब यहाँ पे ये सी एफ वैल्यू कितनी है ये मैंने इक्वल कर रखा 1, अब ये सी एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1, हाईएस्ट कितनी वैल्यू हो गई 1, अभी इस पर नहीं जाएगा एल सी एम, मैंने अभी ये सी एफ को ही निकाल रहा हूँ। फिर
फिर देन ये कंडीशन अब फार, ये कंडीशन होने के बाद देन ये यहाँ पे जाएगा फार के पास, यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है आई प्लस प्लस, यानी अब वैल्यू इंक्रीमेंट होके टू हो गई। अब इसमें से चेक किया, ठीक है ये इसमें फाइव की वैल्यू नीचे है और ये जो बीस है इससे भी वैल्यू हमारी नीचे की ही है, ठीक है यानी मिनिमम वैल्यू है उससे, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, इसके पास आया, ठीक है अब इसके पास है ये कंडीशन, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई अब टू हो गई, अब टू से डिवाइड फाइव नहीं होगा, ये कंडीशन फाल्स हो रही है। फिर इसमें चेक करेगा ये ट्रू हो रही है, बट हमें क्या चाहिए एंड लगा हुआ, यानी दोनों ट्रू चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू कितनी हो गई टू, ये डिवाइड नहीं होगा, ये कंडीशन फाल्स हो रही है, और फिर ये कंडीशन तो टू से डिवाइड हो रही है, ये ट्रू हो रहा है, बट इसमें क्या लगा हुआ आर सॉरी एंड, इसका मतलब हमें क्या है दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए, एक नहीं दोनों, इसकी भी ट्रू हो इसकी भी ट्रू तभी हो ऐसी एफ में काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे तभी वन ही है, ये कंडीशन टू नीचे आया फिर ऊपर गया, ये लूप खत्म होते इफ का, फिर फार के पास गया, अब फार से क्या हुआ फिर ये लूप ये इंक्रीमेंट हो गए कितने हो गए थ्री, चेक किया दोनों में नंबर ये हैं, ठीक है मैं अभी एंड कर रहा हूँ, आर का मतलब है दोनों एक में मिलना चाहिए, आर कर भी कर सकते हैं यहाँ पे एंड कर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंड मैंने लगा रखा है, दोनों में कॉमन वैल्यू निकालनी है, आप चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से एंड कर सकते हैं, अगर यहाँ एंड लगाए हैं तो यहाँ एंड की जरूरत ही नहीं क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों से डिवाइड करना ही करना है, अगर यहाँ पे आर कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एंड लगा ही है, क्योंकि इसमें से क्या करना है हमें दोनों में ट्रू रखना है, आप यहाँ एंड रखें आर दोनों से चलेगा, ये आर का मतलब है दोनों में लास्ट तक 20 तक चेक करेगा, एंड में ये क्या करेगा सिर्फ 5 तक ही चेक करेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पे, फिर ये अब ये चलता रहा कितने तक ले 4 तक, 4 तक कंडीशन यहाँ तक, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 5 है, अब कटेगा नहीं सॉरी 3 से आया 3 चेक किया नेट हुआ 3 रिटर्न गया, 4 आया 4 चेक किया दोनों कंडीशन फॉल्स हुई वो भी रिटर्न गया, एंड फिर 5 आ गया, अभी ये कंडीशन इसमें 5 है एंड इसमें भी 5 है, ये अब कितना हो गया यहाँ पे आई की वैल्यू 5, कंडीशन ट्रू ही नीचे आया 5 ही हो गया, ये डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है 20 भी डिवाइड हो रहा है, अब ये यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है अब आई की वैल्यू 5 हो गई, तो ये सी हमारा हाईएस्ट कितना चला गया इसमें 5, अब फिर यहाँ पे गया ये इंक्रीमेंट हो गई 6 हो गई, ठीक है अब 6 होने के बाद करना है क्या, अब देखिए अगर एंड लगा है ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, अब ये चेक ही नहीं करेगा, अब यहीं से कंडीशन ये फाल्स हो जाएगा, ये सी एफ हमारा यहाँ से भी 5 निकल गया, ठीक है अगर हम यहाँ पे आर लगाते हैं तो, ठीक है अब ये 5 6 आ गया, तो अब इस कंडीशन को फाल्स कर रहा है बट ये ट्रू हो रहा है क्योंकि 20 से कम वैल्यू है हमारी 6, यहाँ से कंडीशन ट्रू होगी बट यहाँ पे आएगा, ठीक है अब यहाँ से डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि हमारा जो 5 है वो छोटा हो जाएगा और ये 6 बड़ी हो जाएगी संख्या, तो होगा ही नहीं, ये भी यहाँ से ऐसे कंडीशन फाल्स होगी, तब पर भी होगी यहाँ पे एंड लगा दिया तो वहीं से हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ फिर आएगा यहाँ से प्रोग्राम बंद होगा, ठीक है एस सी एफ हाइस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, अगर ए सी एफ को प्रिंट कराएंगे तो हमें 5 ही मिलेगा, ठीक है अब हमें करना क्या है एल सी एम निकालना है, एल सी एम के लिए मैंने इसको पहले बताया ही था क्या करना है, हमें दोनों नंबर पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है एक्स एंड वाई, 1 जो हमें नंबर मिला था एक्स एंड वाई का उसका क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये कितना है 5 और 20 का मैंने मल्टीप्लाई किया, और ए सी एफ कितना हमारा आया था 5, ठीक है अब इसका सॉल्व करेंगे कितना आया ये 5 कट जाएगा बचे कितना 20, इसके पहले आपको मैंने बताया 5 और 20 को करने के बाद ये 20 इसका एल सी एम कैसे आता है और इसका भी कैसे कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 5 आया था, हमारा लॉजिक यही है, ठीक है चलिए इसको हम प्रोग्राम में करके रन करते हैं, ठीक है अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे आर लगा दें, आर लगाएंगे तो 20 तक चलेगा, लेकिन ये कंडीशन यहाँ से फाल्स हो जाए क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 है, इसमें से यहाँ एंड लगा हुआ है, यहाँ पे आर लगाएं या एंड लगाएं, ठीक है लेकिन यहाँ पे एंड इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में वैल्यू होनी चाहिए, अगर एक वैल्यू और आ गई यहाँ पे फिर एंड लगा के जेड कर सकते हैं या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या करना होगा फिर आर लगा लीजिए फिर कंडीशन और रख दीजिए आई प्लस प्लस उसके बाद कर दीजिए, ठीक है 3 नंबर का निकल जाएगा, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ अब इरेज करके प्रोग्राम को, चलिए मैं इसको एस सी एफ एंड एल सी एम कर देता हूँ क्योंकि हम दोनों फाइंड आउट करते हैं,
एस सी एफ को भी दिखाते हैं यानी एल सी एम को भी, ठीक है, एस सी एफ एंड एल सी एम, ठीक है। ये मैंने क्लास का नाम ही रख दिया एस सी एम, एस सी एफ सॉरी एस सी एम लिख दिया मैंने, एस सी एफ एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हम इसी के नाम से रख देते हैं। चलिए अभी उसको सेव करते हैं। मैंने क्लास मेन मेथड चलाया, मैं चाहता हूँ पहले लाइन प्रिंट हो जाए, ये किस लिए प्रिंट हो, और उसके बाद एक यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैंने ये लाइन चला दी x1, ठीक है, इंट x1। ये मैंने यूजर से वैल्यू ली, फिर मैंने क्या किया, जैसे यूजर वैल्यू दे इनपुट करे नंबर, उसके बाद दूसरी लाइन लिख कर आ जाए इंटर द सेकेंड वैल्यू, ठीक है, फिर उसमें भी यूजर वैल्यू पुट करे। जैसे ही यूजर वैल्यू पुट करेगा तो हमने क्या किया, x1 और y1 दो वैल्यू मैंने x1, ये x1 हो गया, ये y1, यानी x1 क्या है फर्स्ट वैल्यू और y, मैंने इसको x एंड y में वेरिएबल रख लिया। देन क्या किया मैंने, फिर मैंने इंट को यहाँ से चलाया वन से लगा के कहाँ तक ले, y तक, सॉरी प्लस प्लस करते कहाँ तक गया, एंड लगा दिया यहाँ पे। आर आर भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, भी दोनों प्रोग्राम करके हम दिखा देंगे आपको, हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। फिर ये कहाँ तक, फिर मैंने x को अब जो हमने होल्ड करा था यानी फर्स्ट वैल्यू, उसको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे आएगा उससे रिमाइंडर चेक करना है उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। वो वही सेम वाई में भी मैंने इसको सेकेंड वैल्यू था मैंने वाई में रखा हुआ है, क्या कि एस सी एफ को मैंने यहाँ पे जीरो रखा हुआ है, यानी एस सी एफ हमारे वही स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो, जो भी कॉमन वैल्यू हमारी आएगी वो स्टोर होता हुआ चला जाए। एल सी एम में क्या रखा है, वन, एल सी एम में वन रखा है ताकि अभी वन है, अब जो भी नंबर आएगा उसमें वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या सिर्फ एल सी एम निकाले थे, एक नंबर और प्रिंट करा देते हैं, क्या एस सी एफ, ये मैं इसके बाद एस सी एफ प्रिंट करा दे रहा हूं, यानी हमारी दूसरी वैल्यू क्या आ जाए, एस सी एफ आ जाए, चलिए पहले एस सी एफ निकालते हैं देन एल सी एम करते हैं। यहाँ पे एल सी एम है तो यहाँ पे एस सी एफ कर देते हैं एच सी एफ, ठीक है, यानी हमें एस सी एफ वैल्यू यहाँ पे शो हो जाए कि एस सी एफ वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है, एच सी एफ लिखना है भाई एस सी एफ, ठीक है। अब इसको हमें प्रिंट क्या कराना है, एस सी एफ, क्योंकि वहाँ पे मैंने एस सी एफ के नाम से स्टोर कर रखी हुई वैल्यू इसकी, यहाँ पे एस टी एफ जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड जो एल सी एम है अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी एल सी एम प्रिंट कर देगा, हमारा पहला नंबर शो करेगा, दूसरा नंबर शो करेगा, एस सी एफ इज एस सी एफ की वैल्यू शो कर देगा, एल सी एम इज एल सी एम की। मैं इसको करता हूँ कंपाइल करने के लिए पहले इसको इसी के नाम से, जिस नाम से मैंने क्लास बना रखा है उसी नाम से सेव करना पड़ेगा हमें। मैंने इसको फिर सेवर्स में जाके मैं इसको फाइल करता हूँ सेव, मैंने ई ड्राइव में गया वहाँ पे किया सेव डॉट जावा के नाम से। अब इसको जहाँ पे मैंने सेव किया वहाँ से करते हैं कंपाइल। आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप सारे कोड को इजीली आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं सी एम डी ओपन करता हूँ, अब हमें क्या करना है कंपाइल करने के लिए जावा सी, ठीक है, जावा सी, क्या नाम था हमारा एस सी एफ, फिर एल सी एम क्लास का जो नाम था सेम वैसे ही एंड जावा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंपाइल, कंपाइल हो गया। अब इसको करना है रन, रन करने के लिए क्या करते हैं जावा एंड क्लास का नाम, ठीक है। अब आ गया इंटर द फर्स्ट वैल्यू, हम फर्स्ट वैल्यू क्या लिए थे पांच, सेकंड क्या लिया था मैंने ट्वेंटी, हमारा क्या आ गया एस सी एफ कितना है फाइव और एल सी एम कितने आ गए ट्वेंटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थ्री वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है, एक वैल्यू मैं इंक्रीज और कर रहा हूँ यानी हम थ्री नंबर का लेना चाहते हैं, चलिए कोई नहीं मैं थ्री नंबर चेक कर दे रहा हूँ यहीं पे, करता हूँ कंट्रोल सी। हम क्या करते हैं कि चाहते हैं कि यूजी से तीन वैल्यू हो,
अभी तक 2 नंबर का मिलता है, अब चलिए हम 3 नंबर को भी चेक करते हैं हमारा कंडीशन सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी दिन एक और बढ़ाना है, ये हमें अब ये अभी तक वाई तक लिए थे, अब क्या करना है इसको हम जेड में ले रहे हैं, तीसरी वैल्यू हमें जेड में आ जाए। अब यहाँ पे जेड को भी दिखाना पड़ेगा, ये हमारा नंबर है। ठीक है, कर दिया, इंटर द थर्ड वैल्यू। ठीक है, अभी अब यहाँ पे क्या करेंगे, जेड को भी इसको जेड से इसको होल्ड करेंगे, वेरिएबल में रख लेंगे जेड वन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब फिर एंड लगा लेंगे, क्या जेड में रखे हैं, अब आई लेस देन आर इक्वल कितने से, जेड से। ठीक है, अब जेड में जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंड लगाएंगे, अब क्या करना है जेड, फिर रिमाइंडर क्या कर देंगे यहाँ पे आई, जो वैल्यू आई हुई है। ठीक है, आई की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे स्टोर होते हुए इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो गई। अब ये सी एफ यहाँ से निकल जाएगा उसी सेम। अब यहाँ पे हम एक और नंबर यानी जो हमारा क्या था जेड वन, ठीक है, जेड वन कर दिया। अब यहाँ पे 2 वैल्यू थी, अभी तक कितनी थी, 2 वैल्यू थी। अब इसको एक वैल्यू हमें क्या करना है और ऐड करना है, एक्स वन हो गया, वाई वन हो गया, एंड अब करते हैं यहाँ से कॉमन, क्योंकि एक वैल्यू हमें और चाहिए। ठीक है, ये हो गया, अब ये एक्स वन हो गया, तो अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जेड वन। ठीक है, इसको मैंने भी यहाँ पे कर दिया प्लस। अब ये एक्स वन हुआ, इसके साथ क्या जुड़ गया एंड, फिर वाई के साथ, इसके साथ वाई जोड़ा, फिर वाई के साथ क्या जुड़ गया एंड, फिर जेड के साथ ये। ठीक है, अब ये जेड के बाद क्या लिखा है, एस ई एफ पीच। ठीक है, अब सेम चीज़ें हमें यही हम कॉपी करके यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें भी वैल्यू यही चाहिए। ठीक है, वाई के बाद ये इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब ये अभी इसको नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग में लेगा नहीं, हो गया ये। अब इसको करते हैं सेव, अब इसको कराते हैं कंपाइल, तो हुआ ही था, फिर दोबारा कंपाइल करते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। कंपाइल होगा, इसको करते हैं रन, फर्स्ट वैल्यू ठीक है -6 लिया, सेकेंड 12, थर्ड वैल्यू 18, क्या आया 6, 12 एंड 18, या सी एफ 6, 12 एंड 18, एलसीएम 216। ठीक है, आप लोगों को लॉजिक एंड प्रोग्राम मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूंगा वेबसाइट, जिससे वहाँ से आप प्रोग्राम अच्छे से देख सकते हैं, और पैटर्न के भी एंड नंबर के भी प्रोग्राम वहाँ पे पड़े हुए हैं। चलिए, आप लोग स्टडी करिए। थैंक यू सो मच। We'll be right back.